जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब से उनकी और आगे उनकी पार्टी और परिवार की राजनीति हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। खुद ओम प्रकाश चौटाला तो कहते रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही एलर्जी है, वो है कांग्रेस। आज अगर इनेलो के कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं बची है। कांग्रेस से किसी भी तरह के तालमेल की बात सोचना जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा और उनके संघर्ष के खिलाफ बात है। मैं हैरान हूं कि इनेलो के लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। बाकी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले फैसले तो 4-5 साल से इनेलो वाले ले ही रहे हैं, क्या पता ये फैसला भी ले ले। उन्होंने कहा कि ये फैसला दोनों पार्टियों को लेना है, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस और इनेलो का कोई भी वैचारिक मेल नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौटाला साहब और अजय सिंह चौटाला जी को षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाया था, अगर अभय चौटाला उन्हीं से हाथ मिलाते हैं तो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। चौधरी देवीलाल ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब से उनकी और आगे पार्टी और परिवार की राजनीति हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही। खुद ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार बयान दे चुके हैं वो कांग्रेस में किस तरह जा सकते हैं। आज अगर इनेलो के कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर या कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो ये जनता के बीच जाने में आंख मिलाने में असमर्थ होंगे। कांग्रेस से किसी भी तरह के तालमेल की बात तो सोचना चौधरी देवीलाल की विचारधारा के खिलाफ होगा। मैं तो हैरान हूँ कि इनेलो के लोग ऐसा किस तरह कर सकते हैं, अगर करते हैं तो ये उनके पैरों पर ही कुल्हाड़ी होगी। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।